युवक का अपहरण कर रंगदारी मांगने वाले अपहर्ताओं को बेतिया पुलिस ने अपहर्त के साथ दबोचा। एक अलग युवती हत्याकांड के घटना में हत्यारे सगे भाई को भी मुफस्सिल पुलिस ने किया है गिरफ्तार। न्यूज़ 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया मुफस्सिल पुलिस ने अपहरण के महज कुछ घंटों में ही अपहर्त सहित दो अपहरणकर्ताओं को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा गोली, दो खाली खोखा, दो मोबाइल एवं एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उक्त जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर महताब आलम ने बताया कि गुरुवार को अपहरण की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डोलबाग पानी टंकी आम बगीचा में छापेमारी कर दो अपहरणकर्ताओं को अपहर्त युवक जीत प्रकाश के साथ धर दबोचा गया। करीब 6 घंटे पूर्व अपहरणकर्ताओं ने जीत प्रकाश का अपहरण कर 30,000 रुपये फिरौती के रूप में मांगी थी। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं में रोहित कुमार उम्र 24 वर्ष, पिता टिमल प्रसाद और विजय पटेल उम्र 26 वर्ष, पिता मनमोहन पटेल, दोनों न्यू बस स्टैंड थाना नगर बेतिया जिला पश्चिमी चंपारण के बताए गए हैं। रोहित कुमार का बेतिया नगर थाना में 3 आपराधिक इतिहास और विजय पटेल का मुफस्सिल थाना में 1 आपराधिक इतिहास दर्ज है। आर्म्स बरामदगी को लेकर मुफस्सिल थाना में एक और प्राथमिकी भी दर्ज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में 2022 में मुफस्सिल थाना के सनसरैया गांव के नहर के किनारे एक अज्ञात युवती की ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 3 लोगों को नामजद किया था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी और 1 फरार चल रहा था, जिसमें मुफस्सिल थाना पुलिस ने युवती के हत्यारे सगे भाई अनिल राम को भी गिरफ्तार किया है, जिसको भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 खाली खोखा, 2 मोबाइल एवं अपहरण कांड में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गठित छापेमारी टीम में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार भास्कर, अवर निरीक्षक मदन कुमार मांझी, अनुपम कुमार राय, देवेंद्र कुमार, सहायक अवर निरीक्षक रामाशीष यादव के साथ थाना के रिजर्व गार्ड शामिल थे। न्यूज़ 9 टाइम्स। दिनांक 22/6/23 की रात्रि को, 21 और 22 की रात्रि को एक अपहृत है जीत प्रकाश, उसके परिजनों द्वारा सूचना मिली कि मतलब इसको किसी ने पकड़ लिया है और फिरौती के लिए इसे मांग ली जा रही है। इस सूचना पे एक टीम का गठन किया गया और टीम का गठन करने के पश्चात रात में ही पुलिस के प्रयास से 22 तारीख की सुबह 4:30 बजे इन दोनों को, 2 अपराधियों के साथ इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले 2 अपराधी रोहित कुमार और विजय पटेल हैं, जो कि दोनों ही बेतिया टाउन थाना के रहने वाले हैं और दोनों का प्रूफ का आपराधिक इतिहास है। आपराधिक इतिहास रोहित कुमार का बेतिया नगर थाना में ही 3 कांड में ऑलरेडी ये चार्जशीटेड है और विजय पटेल मुफस्सिल थाना से चार्जशीटेड है एनडीपीएस के कांड में, इससे पहले भी उसी जेल जा चुके हैं। इसके साथ इन लोगों के छापेमारी जब ये की गई, इनकी गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी में इनके साथ एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ, 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोखा भी वहाँ पर बरामद हुआ है। इसके अलावा एक बाइक जिसका इस्तेमाल अपहरण में किया गया था, वो टीवीएस अपाची एक बाइक भी साथ में जब्त की गई। इसके अलावा एक और मामला है, एक 2022 में ही एक ऑनर किलिंग का मामला आया था, जिसमें सनसरैया में एक अज्ञात लाश मिली थी, बाद में उसका सफल उद्भेदन हुआ और वो फिर मामला ऑनर किलिंग का मामला हुआ था, जिसमें एक लड़की की हत्या जो है घर वाले परिजनों ने ही मिलकर कर दी थी, जिसमें 3 अभियुक्त बनाए गए थे, उसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई थी और 1 की गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग चला आ रहा था। तो उसी गिरफ्तारी भी, इसमें अनिल राम जो है उसकी कल गिरफ्तारी कल रात में इसकी हुई, और यही 2 इन्फॉर्मेशन थी। आप जो अपराध फायरिंग की कोई बात की पुष्टि कहीं पर नहीं हुई, तफ्तीश की उस बारे में, तो फायरिंग की कोई पुष्टि कहीं पर से।